आपने एक्चुअली इस फील्ड के अंदर कदम किस तरह रखा था? हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? मैं मर्सिडीज में आता, एक नई मर्सिडीज में आता होता था ऑफिस। लिफाफा ऑफर हुआ है कभी आपको? हु डू यू थिंक सबसे वाकई पाकिस्तान का अमीर सहाफी कौन है? हु डू यू थिंक? मैं ही हूँ। मैं अगर अपनी बेगम से कोई ज्यादा बहस करने की कोशिश करूँ ना, तो वो अल्टीमेटली एक जुमला आता है कि मेरे नाल ना एंकर बनने की कोशिश ना करो, जो मैं बात कह रही हूँ ना उसको चुप करके सुने। हाउ इज योर लाइफ? घर में क्या होता है, मतलब आगे से क्या सुनने को मिलता है? फवाद चौधरी साहब, उन्होंने वो मेरे प्रोग्राम में एक छोटी सी बात कही थी। फवाद चौधरी की 100% दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीलॉग में ज्वाइन करने के लिए। आज सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, और आपके तमाम घर वालों को भी, रिश्तेदारों को भी, दोस्तों को भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है, और पाकिस्तान भर के जितने भी लोग हैं वो आज यही दुआएँ कर रहे हैं कि इस मुल्क में अमन रहे। कुछ लोग आज़ादी की दुआएँ कर रहे हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये मुल्क जो है इसी तरह ही बेहतर तरीके से सही रास्ते पे चलता रहे। हर एक की अपनी ख्वाहिशें हैं, सियासी तौर पे तो जारी बात है एक डिविजन्स तो मौजूद हैं। लेकिन आज हमने इस ईद के खसूसी प्रोग्राम के अंदर जो जिन जिन शख्सियत को दावत दी है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉलीग नहीं हैं, बल्कि एक तरह से मैं उनको अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ। उन्होंने एक बड़े भाई होने के नाते हमेशा हमें गाइड भी किया है, बताया है कौन सी चीज़ ठीक है, किस तरह करनी है। डांट भी पड़ी है कभी कभार उनसे, लेकिन वो डांट भी जो है वो हमारे काम के लिए ही होती है। तो इस वक्त मजमूई तौर पर जो मुल्क की सूरत हाल है, कुछ उस पर भी बात करेंगे, कुछ सहाफत के हवाले से भी बात करेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली आप शायद उनके बारे में ना जानते हों, वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर कर सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं ARY के सुपरस्टार, और मैं ये कहूँगा कि 8 बजे के जो बेताज बादशाह, काशिफ अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा वाला मेरा ख्याल है ये सारी चीजें जो आपने कही भाई की हद तक और दोस्त की हद तक ठीक है, गुजारा हो गया। अभी मैं अच्छा थोड़ा मैंने करन दो ना, मैंने जरा पिक करन दो तानू। थोड़ा झुको ना, ज्यादा ना झुको, ना मैं वापस ही ना आता हूँ। अच्छा का आकाश भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, घर वालों को भी, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं पहले ये बात बता दूं कि काशिफ भाई इस वक्त हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने वहां से हमारे लिए टाइम निकाला है, तो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आई होप, हाउ इज योर ईद गोइंग, कैसी मनाई जा रही है ईद? बस अभी शुरू हुई है, सो आई होप इट गोज वेल। अच्छा अच्छा काशिफ भाई, सबसे पहले तो जी जी प्लीज गो अहेड। मैं कहा आपको और आपके व्यूअर्स को ईद मुबारक। थैंक यू काशिफ भाई। अच्छा काशिफ भाई, मैं कुछ इस किस्म के सवाल करूंगा जो अक्सर मैं पहले से आपको बता दूं, आपसे आपसे शायद ये कम ही किए गए होंगे, नथिंग टू पर्सनल, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो है ना जरा अनईजी जगहों के ऊपर मैं लेके जाऊंगा। ये सबसे पहले बताइए, बहुत कम लोग ये जानते हैं आपके बारे में, कि आपने एक्चुअली इस फील्ड के अंदर कदम किस तरह रखा था? हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? देखिए, कंप्लीट चांस मेरा था जिस जैसे मैं आया, उस वक्त 9/11 हुआ, 9/11 के फौरन बाद तमाम जो फॉरेन चैनल्स थे पाकिस्तान आए। लंबी स्टोरी तो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना कि आई जस्ट वॉक्ड इनटू अ CNN ऑफिस लुकिंग फॉर अ जॉब, बिकॉज ऑल माय फ्रेंड्स, जितने हम IR के मास्टर्स किए हुए थे, बहुत से लोगों ने वो डिफरेंट चैनल्स के लिए काम कर रहे थे। सो जस्ट वॉक्ड इन, किस्मत अच्छी थी, दे हायर्ड मी। पहला साल मैंने CNN के साथ लगाया इस्लामाबाद में, उसके बाद फिर दिस प्रोफेशन स्टार्टेड, फिर PTV, फिर ARY। बट आई वर्क्ड विद अ लॉट ऑफ फॉरेन नेटवर्क्स उस दौरान में, मैं BBC के साथ भी काम किया है, मैंने बहुत से लोगों के साथ स्पेशल प्रोजेक्ट्स के ऊपर और डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर, न्यूज तो ज़्यादा मैं बहुत ज्यादा किए उनके साथ। सो दिस इज हाउ आई स्टार्ट इट ऑल, कंप्लीट चांस, तुक्का। अच्छा काशिफ भाई, हमारी फील्ड में यार, मतलब ये आप जानते हैं, ये सबके ऊपर ही बिला वजह बैठ के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जी ये फलां जगह से लिफाफा ले लिया, और देखें ये पहले जो है वो क्या इसकी हालत थी, और 10 साल के बाद देखें किधर से किधर पहुंच गया है। लेकिन आपके बारे में मैंने जो बात सुनी है, आपने जब ये फील्ड एक्चुअली स्टार्ट की थी, तो माशाल्लाह आप शुरू से ही यू हैव बीन अ वेरी वेल ऑफ पर्सन, कोई ऐसी कभी ये नहीं देखा कि लोग हैरान हो गए और ये काशिफ अब्बासी ने जो है ये 15 साल के अंदर पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया है। कुछ अब इसके बारे में भी जरा व्यूअर्स को बताइए कि व्हेन यू, हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन ऑफिस, हाउ डिड यू कम
to the office, or kis tarah, why did you and how did you enter this field? देखिए एंटर का तो मैंने बताया कि अगर उसकी तफसील में जाऊंगा तो बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे तफसील है, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है कि हाउ मैं नौकरी ढूंढ रहा था। कुछ समरी दे मुझे मेरे भाई का दोस्त एक बहुत बड़ी एनजीओ में को हेड कर रहा था पाकिस्तान में आए लोगों को, तो मेरे भाई ने कहा उसे जाके मिल लो। उसने कहा यार वो जिस मुझे देख कर देखा था कि यार तुम इतनी फॉरेन आउटलेट्स आए हैं तुम उनके पास क्यों नहीं जाते। तो मैं वहां से निकलते बड़ी गुस्से में उसको दिल में कहा बाहर निकलते, मैं कहा यार नौकरी नहीं देनी मशवरा तो ना दो, मुफ्त मशवरा तो सारों के पास होता है। पर बाय चांस मेरे भाई ने भी कहा यार लेट्स गो एंड ट्राई, सो आई एक्चुअली वॉक्ड इनटू अ सीएनएन ऑफिस। एक्चुअली मैं इसी तरह, और मैं जाना नहीं चाह रहा था, मैं टाइम जाया करने में, मेरा भाई नीचे बैठा वैसे खाना खा रहा था लंच टाइम में, उसने कहा चला जाओ। अब मैं ऊपर टाइम जाया करने गया था, तो मैं एक ऑफिस के बाहर सीएनएन, मुझे पता था सीएनएन का ऑफिस किधर है, इस्लामाबाद मैरियट में था। मैं वैसे कहा मैं उधर जाके 5-10 में खड़ा होऊंगा, वापस जाके कहूंगा यार वो उन्होंने ना कर दिया था, क्योंकि नौकरी कभी नहीं मांगी, मेरे पास सीवी अपनी नहीं थी जब मैं उस ऑफिस में गया। एक इंजीनियर बाहर निकला है कमरे से, उसने कहा आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। अब जाहिर है मैं फंस गया, मैं ये भी नहीं कह सकता था एम ही लॉयटर करने के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि सीएनएन ऑफिस एक्चुअली कमरों में होते थे मैरियट। वो गॉड सेंड आदमी था, मैंने उसको कहा मैं कह जी मुझे नौकरी थी, आई नो मेरे और मेरे बहुत से दोस्त काम करते हैं बहुत से आउटलेट्स में, तो मैंने सुना कि यू नो गिविंग जॉब्स, ये अक्टूबर की बात है, सितंबर 9/11 हुआ था, अभी महीना भी नहीं हुआ, महीना हुआ था बेरली। तो मुझे हाथ पकड़ के ले गया और एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बैठी थी, उसने कहा इफ एनीवन इन दिस ऑफिस कैन गिव यू अ जॉब शी कैन, और उसको कहता यार इसे बात करना है। मुझे उस कहती है सीवी है, मैं कह नहीं, कहती है ऐसे एक काम करो कल वो चार जुमले एक्सचेंज करने के बाद किया क्या है क्या करते हो। तो जाहिर है मेरा दूसरा मास्टर्स उस टाइम खत्म हो रहा था, हो चुका था तकरीबन। उसने कहा सीवी ले आना, अब उसने अच्छे मतलब हमारे लिए यही अच्छा था कि यार देखो सीएनएन लोग ये कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं। नेक्स्ट डे आई वॉक इन विद माय सीवी, तो उसने मुझे बाहर लेके कॉरिडोर में खड़े होकर कहती है कि यू नो वी डोंट हैव अ जॉब येट, और मेरा एकदम जज्बात इधर थे जज्बात एकदम फौत हो गए कि लो जी ना हो गई ये नौकरी की। देन शी सेड व्हाई डू यू कॉल एलिसन, एक और हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होती थी, व्हाई डू यू कॉल एलिसन टुमारो 9 बजे उसको फोन कर लो। सो मैंने 9 बजे फोन किया, उसने कहा 12 बजे आ सकते हो, एंड दैट टर्न आउट टू बी माय फर्स्ट वर्किंग डे। सो इट ऑल जस्ट हैपेंड, मतलब ऐसे ही हुआ कि मैं टाइम पास करने ताकि मुझे वो ताना ना मरे मैं ऊपर गया हूँ, ऊपर से उसने मुझे उससे मिला दिया, उसने मुझे सीवी मंगा ली, मेरे पास सीवी नहीं थी, रात उधर इसी टाइम जाके सीवी बनाई एंड गॉट द जॉब, इट वाज जस्ट कंप्लीट चांस। दूसरा आपने जो गाना कि मैं ऑफिस कैसे आया, मैं बड़ा मजाक उड़ता होता था पीटीवी में भी और हर जगह, मैं मर्सिडीज में आता, एक नई मर्सिडीज में आता होता था ऑफिस में। तो मुझे मेरा पिछले दिनों कहता हमारे वहां पे कराची ऑफिस में बात होती थी, हमारा एक रिपोर्टर है जो मर्सिडीज में आता है। सो मैं अपनी यूनिवर्सिटी गया, मेरे पास 93-95 में गया यूनिवर्सिटी, तो उस वक्त इंटरकूलर वाज अ बिग कार, जैसे क्रूजर है ना उस टाइम इंटरकूलर बड़ी गाड़ी होती थी, बिग कार नई नई आई थी, इंटरकूलर मेरे पास अपनी इंटरकूलर होती थी जिसमें मैं यूनिवर्सिटी जाता होता था। सो अल्लाह का शुक्र है कभी कभी मुझे फाइनेंशियली उस जरूरत नहीं थी कभी भी उस तरह, दैट्स व्हाई मुझे तलत फैन साहब अक्सर मजाक उड़ाते हैं, मुश्ताक मिनहासत तलत वो एनए की करना है, इतना अमीर आदमी है जिसको तो इसने ना काम करना है तो ना इसको पैसों की जरूरत है, तो प्रॉब्ली उस वजह से हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता था कि यार इन लोगों को गलत भी साबित करना है तलत साहब को कि भाई मैं काम करने आया हूँ, आई लाइक दिस फील्ड, आई लव द जॉब। काशी भाई वैसे अगर आप एंकर ना होते तो कोई और क्या होते, सबसे पहले तो ये बताना अगर एंकर ना होते तो क्या होते। बड़ा मुश्किल सवाल है, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं था पता कि मैंने करना क्या है। हमारा मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा वाक्य सुनाऊं। एक दफा बैठे हुए आखिरी सेमेस्टर खत्म हो गया, मैंने कहा यार 5-10 साल काम करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, यू नो फिर रिटायर होके रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारनी, दुनिया देखनी। उन्होंने कहा व्हाट अ सिंपल प्लान, उसका आगे से पहला जुमला ये था, वो भी ब्यूरोक्रेट केपी में इकरामुल्ला, व्हाट अ सिंपल प्लान, मतलब ये करना बस, मतलब किस तरह करना है। मैं कहा ये किस तरह करने का तो पता नहीं है भाई। I knew I could not do a 9 to 5 job. सुबह उठ के नौकरी पे जाना 9 बजे और 5 बजे तक मेज के पीछे बैठना, ये मेरे से हो ही नहीं सकता। पहले दिन से मुझे पता था मैं ये काम नहीं कर सकता, टू रेस्टलेस पता। मतलब मैं जब रिपोर्टिंग करता था हमारी तनख्वाह कितनी होती होगी यार उस टाइम एंकर्स भी शायद 1-1.5 लाख ही कमाते होते। तो मेरा फैमिली मुझे कहती थी कि क्या साफत में पड़ गए हो, साफत करोगे तुम साफी बनोगे, कितने पैसे कमा लोगे, लाख
लाख मालोगे, 2 लाख मालोगे, जाओ अपना बिजनेस मालो, प्लाजा श्लाजा फलाना ढिमकाना ही करो जाके। बट पता नहीं, मुझे नहीं लगता था कि मुझे मैं कोई काम कर सकता हूँ। आई मीन आई जस्ट डोंट नो, मैं मुझे नहीं लगता था कि मैं 9 to 5 जॉब तो मेरे से होनी नहीं थी। बिजनेस से शुरू कर। अच्छा ठीक। अच्छा काशी भाई, जर्नलिज्म के बारे में चूंकि बात हो रही है, ये बताइए कि आजकल मतलब हमारी फील्ड के हवाले से जो है ना वो बड़ी पोलराइजेशन अब होना शुरू हो गई है। देयर आर पीपल हु आर कंसीडर्ड ऑन दिस साइड एंड देयर आर पीपल हु आर कंसीडर्ड ऑन द अदर साइड। डू यू थिंक दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल या डू यू थिंक वी आर एक्चुअली एंटरिंग सम एबनॉर्मल स्टेज, और ये तो हुआ नहीं है आज तक कभी। हाउ डू यू सी ऑल दिस? देखिए, ये अमरीका बरतानिया में भी है, फॉक्स के बारे में सब जानते हैं वो किस तरफ है, CNN और दूसरे चैनल सबके बारे में पता है कि उनकी लीनिंग्स रिपब्लिकन के साथ हैं या डेमोक्रेट्स के साथ हैं। बड़े अरसे पहले अमेरिका गया, 12-15 साल पहले की बात है, तो अब टीवी चैनल्स और अखबारों के दफ्तर में जाते थे, वो कहते हैं हम कैंडिडेट्स को एंडोर्स करते हैं, हम एज अ चैनल या अखबार अपने अखबार में या चैनल पर कहते हैं कि हम इस कैंडिडेट को एंडोर्स करते हैं कांग्रेसमैन के लिए, सेनेटर के लिए या प्रेसिडेंसी के लिए। और हमारे हम वो पाकिस्तान से गए थे कि जनाब ये कैसे हो सकता है, आप बायस्ड कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम बायस्ड नहीं हैं, लेकिन हमारी लीनिंग और हम ये जरूर कह देते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बेस्ट कैंडिडेट है। जो मेरे लिए बड़ी बड़ी मुश्किल बात थी टू स्वॉलो के हमारे यहाँ पे तो था कि आपका अनबायस्ड होना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में बायस तो है, लेकिन बायस के साथ पॉलिटिकल लीनिंग्स भी अगर हैं भी, फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादतियां भी बहुत हैं। यानी आप देखें कि एक कुछ लोग बिल्कुल एक साइड पे चले जाते हैं, कुछ दूसरी साइड पे चले जाते हैं, कोई इसको कहता है ये सब अच्छा है ये सब बुरा है, दूसरा उस साइड पे जाएगा कहेगा वो सब बुरा है ये सब अच्छा है। ये मेरा ख्याल है जरा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। यानी ऑब्जेक्टिव, मैं फिर ये कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव होने की कोशिश करते हैं, किस्सा तो हो सकते हैं वो एक अलहदा बात, लेकिन अपने आप को ड्रैग करके किसी तरह किसी जगह सेंटर पर लाने की कोशिश करें, उसमें आप हो सकता है 10% कई दफा कामयाब, कई दफा 20-30% भी आ जाते हैं, कई दफा 40% भी आ जाते हैं। और वो सेंट्रिस्ट जो कोशिश करनी चाहिए सेंटर में आने की, लेकिन हमारे यहाँ पे पर्सनल, अब आप देखें हम बहुत ज्यादा, हमारी जर्नलिज्म पर्सनलाइज हो गई है, पोलिटिकल पार्टीज क्या खिलाफ, मेरा ख्याल है ये दिस इज वेयर द बिगेस्ट कैजुअलिटी बिकम्स जर्नलिज्म। आप ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि इतनी पोलराइज और इतनी अपने एक्सट्रीम साइड्स ले ली है। ये साइड ले लेना मेरा ख्याल है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइड किस हद लेनी है और जर्नलिस्ट किस हद तक, क्योंकि चैनल मालकान चैनल्स जो हैं उनको तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, वो तो एक बिजनेस आउटफिट चला रहे हैं, उनका जो दिल करेगा वो करेंगे, लेकिन जर्नलिस्ट का तो काम है कि वो उसको किसी तरह आप दरमियान में मत ला सके। 30% इस तरफ है अपने आप को, इशू टू इशू आप चलते हैं, इशू पे आप अपनी पोजीशन ऑब्जेक्टिवली लेने की कोशिश करें, वो भी मेरा ख्याल खत्म हो गया। अच्छा ये काशी भाई, एक बीइंग एन एंकर ऑब्वियसली आपसे भी मैं सवाल करना चाहूंगा, लिफाफा ऑफर हुआ है कभी आपको? यार मुझे, मेरा ख्याल है इसलिए किसी ने नहीं किया कभी क्योंकि उनको शायद ये पता था, सारों को पहले मैं जब न्याने आया था तब से उनका ख्याल था कि उसको जरूरत नहीं, तो किसी ने कोई ऑफर ही नहीं किया यार। ये मैं आपको आप बता रही हूँ, उस टाइम भी था कि इसके बाद पैसे बहुत है, पहले बड़ा चेक होता था कि काते कहाँ से, तो मुशर्रफ साहब के दौर पर किधर से ले रहे हैं, फिर शायद उनको रियलाइज हुआ। वो हमारे कुछ जो मरी के पॉलिटिशियंस हैं उनको तो पता खैर जा रहा है, मेरी फैमिली को भी पता, माय फादर वाज एन एमपी है पीपल्स पार्टी से, भुट्टो साहब के दौर में थे, ही डाइड इनसे, तो वो उनमें से एक तो कहता था ये पाकिस्तान का अमीर तरीन साफी है, तो उनको पता था कि, सो आई थिंक प्रॉब्ली सारों को फिर पता लग गया कि यार पैसे वाली कहानी शायद ना चले। तो किसी अच्छा वैसे एक गल दसो, तुम भी साफी हो, वैसे लोग भी जानना चाहेंगे हु डू यू थिंक सबसे वाकई पाकिस्तान का अमीर सहाफी कौन है, हु डू यू थिंक? मैं ही हूंगा। एम एन निकलवा लिया। अच्छा वैसे ये दूसरा मेरा ये है कि मेरे सारे एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं, आई हैव डिक्लेयर्ड एवरीथिंग, आई सो जाके चेक कर सकता कोई भी अभियान। मतलब शुक्र है तुम याद ही नहीं कह रहे ना मेरी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? ये तो नहीं कह रहे मैं तो बड़े फखर से कहता हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ है और मेरा सारा कुछ डिक्लेयर्ड है। मैं जो जो जिंदगी में खरीदा
मैंने डीसी रेट पे ट्रांसफर्स नहीं कराया, मैंने एक्चुअल प्राइसेस पे ट्रांसफर कराया, जो कि वो तो मुझे कहते होते थे लोग, जब सीडीए जाता या मैं कहीं भी एफबीआर में निकले, मुझे जब वो होता ऑडिट में, मैंने कहा जी आपने कभी ऐसा देखा है टैक्स रिटर्न जिसमें जिस बंदे ने जितने की चीज खरीदी है उतने की डिक्लेयर की हुई? क्योंकि पाकिस्तान में तो एक हैबिट है, लोग अंडर वैल्यू करते हैं, अंडर डिक्लेयर करते हैं अपनी चीजों. सो जिस मेरा एफबीआर में सब डिक्लेयर्ड है. हाँ, वेरी गुड. अच्छा काशी भाई, ये बताइए कि ऑब्वियसली आपने सारे अदवार देखे हैं, माशाल्लाह यू हैव बीन एंकरिंग एंड डूइंग जर्नलिज्म फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. आपके ख्याल में पाकिस्तान के, मतलब जितने देर आपने लगाई है, सबसे ज्यादा टफ टाइम जर्नलिज्म के लिए पाकिस्तान में कौन सा था, किसका दौर सबसे मुश्किल था? अब मेरी बात कर रहे हैं या जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ. देखिए मेरा ख्याल है कि परवेज मुशर्रफ साहब का वक्त सबसे मुख्तलिफ था. मुझे 10 दफा तो टीवी से उठा दिया गया, टीवी चैनल्स बंद कर देते थे, सब कुछ कर दिया, फिर आखिर में बैन कर दिया. उसमें तो ये था ना कि डायरेक्टली कोई आपको फोन करके कहता था तुम ये नहीं करोगे. यहाँ पर तो फिर एक तरीके से बात होती है, वो आपका पोलिटिकल पार्टी के साथ. देखिये मंसूर, मैं बार बार सबको एक बात कहता हूँ, हम लोग किसी सियासतदान से नहीं डरते. ये जो जर्नलिस्ट लोग है ना, सियासतदान से हमारा कोई खौफ नहीं है. आई एम श्योर आपका भी यही है. कोई इमरान खान, कोई आसिफ जरदारी, कोई नवाज शरीफ, किसी से कोई नहीं डरता. तो इस वजह से सियासतदान से हमें टेंशन भी कोई नहीं होती. ज्यादा क्या करेंगे, बायकॉट कर देंगे. मियां साहब के दौर में मेरा जाती तकरीबन 3-4.5 साल का बायकॉट था. बट यू नो यू नॉट नेवर थ्रेटन्ड, यू डोंट फील थ्रेटन्ड कि पोलिटिकल गवर्नमेंट आपको कोई इस तरह वस्तरा कर जाएगी. मैं ये जरूर होता कोई मुकदमा बना दिया इधर से, कोई कोई FIA की टीम पहुंच गई टाइप, जो आजकल मैं देख रहा हूँ. यही काम कर सकते हैं. उसमें भी मतलब अभी देखते हैं कि वो करते क्या है. मतलब पॉलिटिकल पार्टी से एक हद से आगे नहीं जाता. याद होगा जियो का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था. मैं 3-4 महीने के लिए बंद कर दिया उन्होंने, पीपल्स पार्टी को बायकॉट कर दिया, उनके दफ्तरों के बाहर जलसे जुलूस शुरू कर दिए. मियां साहब का था, हमारा बायकॉट भी हुआ, सारा कुछ हुआ. उसमें ये ज्यादा ये होता है कि जनाब उनको चेक करने के लिए FBI के पास पहुंच गए वगैरह. बट जो मार्शल लॉ दौर होता है उसके उसके टेंशन और प्रेशर ही डिफरेंट होते हैं. वो इस तरह के प्रेशर्स नहीं. यू वुड एक्चुअली मतलब एंडोर्स दिस के बुरी से बुरी डेमोक्रेसी भी जो है वो मार्शल लॉ से कम बेहतर है. इजीली देखिए आई विल एंडोर्स दिस फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. कि आपके पास आवाज होती है. आप देखें, हम उस वक्त तो शायद हमारी यूनियन भी प्रोटेस्ट बड़ी मुश्किल से करती होती, मतलब उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर्स होते थे. यहाँ तो अब आपको कुछ होगा तो कल यूनियन आके सारी खड़ी सड़कों के ऊपर होगी, आपको कोई कुछ नहीं करने देगा किसी को. हमारी बॉडीज बहुत तगड़ी हैं. लेकिन मार्शल लॉ दौर में तो प्रेशर्स, डंडे का इस्तेमाल. मुझे याद है हमने एक प्रोटेस्ट किया तो मुश्ताक मिनाज, जितनी हमारी यूनियन थी उसके ऊपर FIR काट दी उन्होंने. एक्चुअली FIR काट दी क्योंकि शराय दस्तूर पे प्रोटेस्ट हुआ था. सो जो उस दौर में होता है वो इस दौर में मूवमेंट नहीं होता. पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के दौर में मूवमेंट नहीं होता, कम होता है. मार्शल लॉ बहुत आगे चला है, वो गवर्नमेंट्स बहुत आगे. अच्छा काशी भाई, ये बताएं कि यू आर वन ऑफ दोज, मतलब हमारी पूरी फ्रेटर्निटी के अंदर हु इज ऑल्सो मैरिड टू एन एंकर. अच्छा, हम लोगों की घरेलू जिंदगी के अंदर तो मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि कभी कभार जब मैं अगर अपनी बेगम से कोई ज्यादा बहस करने की कोशिश करूं ना, तो वो अल्टीमेटली एक जुमला आता है कि मेरे नाल ना एंकर बनने की कोशिश ना करो, जो मैं बात कह रही हूं ना उसको चुप करके सुने. हाउ इज योर लाइफ, घर में क्या होता है, मतलब आगे से क्या सुनने को मिलता है? यार वैसे कमाल की बात है कि आपको इतना बोलने की इजाजत है कि जब इवेंचुअली कोई आके कहता है कि मेरे साथ एंकर ना बनो, भाई बहस नहीं हो सकती. एक में आती है वहां पे बहस बड़ी मुश्किल होती है. मतलब मुझे कई दफा लॉजिक समझ, मुझे समझता है, मतलब आप सोचो तो मैं बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ. मेरा नहीं ख्याल है लॉजिक बात कोई उसका कुछ ज्यादा सूदमंद होती. अच्छा, मतलब हर किस पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स होते हैं घर में? बहुत कम. एक पहले दिन से कोशिश कि सियासत के ऊपर बात बहुत कम करते हैं, बहुत कम. अच्छा, वेरी स्ट्रेंज. मैं हम तो समझे कि शायद होते ही होंगे. पिछले कुछ अरसे में इवेंट्स चल रहे तो ये नहीं कि हम देखें, लोग आते हैं घर में, देन एक कलेक्टिव वो जरूर होता है कि व्यूज एक्सचेंज हो रहे हैं. बट इफ यू थिंक हम रोज बैठते हैं और पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात करते हैं, ऐसा नहीं. अच्छा, अब आप दोनों ही, जारी बात है, भाभी भी इसी फील्ड से ताल्लुक रखती हैं,
कल को would you recommend your children to join this field? Absolutely, जो करना चाहेंगे करेंगे, क्यों नहीं? मतलब नहीं, आप पुश करेंगे, प्रमोट करेंगे, या आप कहेंगे अभी ठीक है तुम्हारी मर्जी, जो करना करो? मेरा बेटा कहता है मैंने क्रिकेटर बनना है। भाई तूने क्रिकेटर बनना तो क्रिकेटर बन। अगर मेरी अच्छा। बेटी कहती है मैंने डॉक्टर बनना, अच्छा तू डॉक्टर बन जाए। जो कहेंगे करें अपनी अच्छा। जिंदगी में पुश। देखिए मेरा ख्याल है अभी गॉन बियॉन्ड दैट स्टेज। जो नई जनरेशन आई है ना, उसको पुश करना बड़ा औखा काम है। मेरे बच्चे तो छोटे हैं अभी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप उनको पुश कर सकते हैं कि जा बेटा तूने ये काम करना है। देखिए दूसरा साथ में ये कि आप और मैं बेहतर जानते हैं इस प्रोफेशन को। ये प्रोफेशन आपको जितना सक्सेसफुल बना सकता है उतना ही नाकाम भी कर सकता है। यानी आप और हम बहुत से लोगों को देखें, आप बहुत से लोग एंकर्स को देखते हैं बैठे हुए, कहते हैं उनकी तनख्वाहें देखो, ये देखो, वो देखो, और सारों का ख्याल होता है एंकर बनना। लेकिन कितने एंकर्स हैं पाकिस्तान में? जो टोटल 40 होंगे उनमें से 20 ऐसे होंगे वो आर वेल पेड प्रॉब्ली, बाकी तो सारे नॉमिनली पेड एंकर्स हैं। और वो 40 स्लॉट भर गए, वो एक इधर से इधर जाता है तो दूसरा उधर चला जाता है, तीसरा उधर चला जाता है। ये म्यूजिकल चेयर्स ही होती है ना, आपस में स्लॉट चेंजिंग होती रहती है कि कभी जब एक स्लॉट खाली होता है तो दूसरा स्लॉट फिल कर लेता है। स्पेस नहीं है इस चीज। सो अगर ऐसा प्रोफेशन किसी ने बनाना है, जर्नलिस्ट, अखबार रिपोर्टिंग प्रॉब्ली यस, बट आपको ही पता है कि इवेंचुअली चलो उन्हें भी लगेगा कि मेरे बिल्कुल पैसे नहीं तो मैं कर लूंगा, गुजारा कर लूंगा। लेकिन इसके अंदर दैट वे अगर आप कहेंगे सक्सेसफुल किस हद तक हो सकते हैं, उसमें बड़ा मुश्किल, बहुत ग्राइंड है इस प्रोफेशन। काशिफ भाई एक और बस ये जर्नलिज्म से रिलेटेड सवाल के ये भी कहा जा रहा है कि जी अब डिजिटल दौर आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है, बहुत से लोग जो हैं उस पर भी बैठ के तजिया देते हैं। आई मीन ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो गिविंग दिस इंटरव्यू ऑन अ यूट्यूब चैनल राइट नाउ। तो डू यू थिंक, वो कहते हैं कि जी आप देखिए दौर आएगा कि डिजिटल मीडिया जो है ये मेन स्ट्रीम मीडिया को टेक ओवर कर लेगा और लोगों की प्रेफरेंस जो है वो ये होगी। हाउ डू यू सी दिस? देखिए ये मुमकिन है, मैं ये नहीं कहूंगा मुमकिन नहीं, बिकॉज लोगों के पास वक्त कम है और टेक्नोलॉजी बहुत है। आपको जरूरत नहीं कि आप अपने आप को पाबंद करें कि मैंने 8 से 9 बैठकर एक प्रोग्राम देखना। आपको अपने आप को पाबंद करने की जरूरत नहीं। यहाँ आप गाड़ी में बैठे आप अपना प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं, आप जिधर भी हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। सो इस वजह से मुझे लगता है कि ये बड़ा कन्वीनियंट मीडियम है जो डिजिटल मीडियम का मीडिया, जो भी डिजिटल मीडियम। आप ट्विटर देखें आपको सब पता लग जाता है खबरें क्या चल रही है, किसके साथ क्या हो रहा है, जो नहीं भी हो रहा होता वो भी आपको पता होता है कि क्या हो रहा है, जो नहीं भी हो रहा होता वो भी आपको सोशल मीडिया से पता चलता है, बिकॉज देयर इज टू मच गोइंग ऑन। एंड आई थिंक वो कन्वीनियंस जो है ना लोगों, वो आप रिमोट के लिए लड़ाइयां लड़ने की जरूरत नहीं है, माइट एज वेल गो आराम से ऑनलाइन जाएं और आप आ जाके देख लें। इंटरनेट मुझे लगता है कि आज से 5-10 साल बाद तो इंटरनेट सड़कों पर पूरे पूरे मुल्क शायद वाईफाई कनेक्टेड होंगे। मुझे I won't be surprised कि अगर हर जगह सिर्फ वाईफाई, हर आप सड़क पे जा रहे हैं और रियासत ने आपको फ्री वाईफाई दिया होगा। सो आसान हो गया ना, आप वॉक कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आराम से देखें, जो बैठ के देखें। टीवी हो सकता है वो उधर भी टीवी को ही करें, क्योंकि शायद जब तक इतनी बड़ी ऑडियंसेस नहीं बन जाती किसी की कि कोई पॉलिटिशियन अपना टाइम निकाल के किसी के व्हाट्सएप या यूट्यूब चैनल पे जाए, व्हाट्सएप चैनल तो नहीं होता, यूट्यूब चैनल या जूम चैनल जो भी है, अनलेस यू गो देयर, शायद आपका बहुत सा मेन स्ट्रीम मीडिया को भी जो वेटेज मिलेगी वो सोशल मीडिया से, यानी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही मिलेगी, कि आपका प्रोग्राम लोग शायद ये प्रेफर करेंगे टीवी में देखने की बजाय, मैं बगैर एड्स के, बगैर किसी और के मसले के, मैं ऑनलाइन देख लूंगा। सो या दैट स्विच इज वेरी पॉसिबल। अच्छा काशिफ भाई, कमिंग टू द एंड ऑफ द आवर इंटरव्यू, जल्दी से जरा जितने ये जो सियासतदान हैं आपकी भी आई एम श्योर सबसे मुलाकातें होती हैं, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ, इन सबसे ही आपकी मुलाकातें। वैसे तो आप लंदन में नवाज शरीफ साहब से हुई मुलाकात सर? गए कुछ चक्कर चक्कर लगाए उनके पास? अभी तो आए, दो रोजे रखे और उसके बाद अभी मना रहे हैं, तो अभी तक मुलाकात नहीं। अच्छा चले खैर, बट वेन यू मीट ऑल ऑफ देम, give us a two-liner review about them. मतलब let's say इमरान खान साहब से start करते हैं, किस तरह देख रहे हैं इमरान खान साहब से आखिरी आपकी जो मुलाकात हुई होगी अब तक, किस तरह as a person आपने उनको किस तरह assess किया है, goods and bads both? यार बड़ा मुश्किल है पॉलिटिक्स, क्योंकि हम उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, हम उनको खाली एक पॉलिटिकल फ्रेम में जानते हैं कि वो सियासी तौर पर कैसे। मियां साहब से मिला हूं, सबसे कम मुलाकातें जरदारी साहब से हुई है मेरी शायद, बिलावल साहब से तो इक्का दुक्का हालांकि चलते फिरते कभी या एक आधी प्रेस उन्होंने इंटरेक्शन में बुलाया होगा। सो इसलिए इनको इतना अच्छा मैं नहीं जानता जाती तौर पे कि मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा जानता हूँ उनमें से किसी को। लेकिन एक चीज जरूर है कि पॉलिटिशियन भी इंसान ही है। इसमें यह है कि
हमारे तमाम सियासतदानों में एक खामी उनके करीब के लोगों की वजह से आ जाती है। जब आपको 50 लोग या 30 लोग रोज सिर्फ साइड पे बैठकर और बाय प्रॉब्ली लाखों करोड़ों हर रोज कहें आप तो पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, आप तो देवता हैं, तो उनके साथ डील करना, किसी भी ऐसे आदमी के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उनकी जिंदगी का आउटलुक और उनका आपसे बात करने का गिव एंड टेक की आदत रही है सारी उम्र, सो उनकी उनका आउटलुक बदल जाती है। मैं कल वैसे ही क्लिप देख रहा था मरियम नवाज साहिबा का, उन्होंने कहा मियां साहब आप तो इमाम हो गए, लोग तो कहते हैं आप इमाम हैं। आई एम श्योर हर आदमी एक अपने लीडर को यही कहता होगा, सर आप जो हैं तो फिर उसके साथ आप नॉर्मली कैसे एंगेज करें, वो एक बड़ी एबनॉर्मल एंगेजमेंट होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन दुनिया से बदल जाती है क्योंकि उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, क्योंकि जाहिर है वो घेरा ऐसा होता है, वो ये नहीं होता कि कल सड़क पे निकल गए मार्केट में किसी ने कहता तुम बड़ा गलत किया है, आप बड़े गलत हैं, बड़े ये, वो एंगेजमेंट ही और किस्म की होती है जिसमें आप बस सबको पता है कि उन्होंने चुक के रखना है, जो सब तू ज्यादा चुकेगा और सब तू ज्यादा कामयाब होगा, तो फिर आप सोच लेंगे उनके साथ दिस इज वन ऑफ द, मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस एक रियलिटी चेक से दूर एक और दुनिया में अपने आप को ज़ूस समझ के बैठे होंगे या कोई बादशाह महाराजा समझ के बैठे होंगे, और ये आई डोंट ब्लेम देम, ये इर्द गिर्द के लोगों का काम है ग्राउंडेड रखना लोगों को। ताकत एक बहुत बड़ा एक नशा है, किसी ने कहा था ताकत नशा है, वो बहुत बड़ा नशा है, उससे थोड़ा सा इनको ग्राउंड रियलिटी चेक देने की जरूरत होती है लीडर्स को खासकर, लेकिन वो हमारे मुल्क में नहीं होती। अच्छा मैं क्योंकि आपकी आगे भी मुझे पता है रिकॉर्डिंग है, मैं जल्दी जल्दी सिर्फ आपने छोटे छोटे जवाब देने हैं ताकि मैं ज्यादा टाइम आपका ना लूं। ये बताइए डू यू थिंक इस साल इलेक्शंस होंगे? मुश्किल अच्छा मुश्किल अच्छा ये बताइए कि आपके और हमारे एक दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने वो मेरे प्रोग्राम में एक छोटी सी बात कही थी, और इसके अलावा परवेज इलाही साहब ने भी कल एक इंटरव्यू परसों एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने भी कुछ ये कहा कि जी अक्टूबर से मामला जो है वो खराब होना शुरू हो गए थे। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने की असल वजह एस्टैब्लिशमेंट से नाराजगी थी या अमरीका वाला चक्कर असल है, दोनों में से कौन सी वजह है? पिछले सवाल को एक क्वालिफायर लगा दूं पहले कि फ्यूचर की बात पाकिस्तान में प्रिडिक्ट करना मुश्किल तरीन काम, माजी लेकिन क्योंकि आप सवाल पूछे मैं आपको अपना एनालिसिस बता दें। फवाद चौधरी की 100% दुरुस्त है, ये सिर्फ वो नहीं कहते ऑपोजिशन खुद भी मानती है, गेम कहीं और से हुई। अच्छा नहीं तो फिर अगर क्या असल वजह ये थी या वो अमरीका वाली ये जो बात हो रही है ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत एंड ऑल दैट, इसमें भी कोई लेग्स हैं, इसमें भी कोई वजन है इस बात के अंदर? देखिए इसके मैंने कोई मैंने वो साइफर के बारे में हम सारून को ब्रीफ किया गया था, क्या अमेरिकन हिस्ट्री है रिजीम चेंज किया, बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ रिजीम चेंज की हिस्ट्री तो उनकी है, क्या इस केस में उन्होंने किया है, एविडेंस तो एज सच नहीं है, कुछ लाइंस हैं जो कि बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं जो कि कही गई पाकिस्तानी एम्बेसडर को कि अगर ये ना हुआ तो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हुई तो ठीक है वरना, अब क्या फिजिकली उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं किसको दिए हैं वो तो एविडेंस की बुनियाद पे बात होती है ना, वो तो दोनों में से कौन सी बात में ज्यादा वजन है, एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब ये ज्यादा वजनी चीज है या अमेरिका वाली चीज ज्यादा वजनी? खैर बात में वजन बहुत है, देखिए दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये नहीं है कि अगर एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, वो दोनों भी हो सकती है, मैं टेक्निकली बात करूं वो तो दोनों सकती है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट वाली बात दुरुस्त है, वो अगर वो तो इसलिए दुरुस्त है क्योंकि हमारे हम तो जब ऑपोजिशन से भी इंटरेक्ट करते हैं तो वो तो दुरुस्त होगी ना, अब उसमें क्या इस एलिमेंट को भी शामिल करना है, आई डोंट नो, ये जजमेंट कॉल है लोगों की अपनी अपनी, मैं तो इसके ऊपर जजमेंट क्या दूं। अच्छा अब आखिरी सिर्फ ये बताइएगा कि आपके ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट, पहले हम लोग इमरान खान साहब की हुकूमत को कहते थे जी सिलेक्टेड हुकूमत है ऑपोजिशन इनके ऊपर इस किस्म के इल्जाम जो है वो लगाती थी, वो सिलेक्टेड थी ये सिलेक्टेड है या नहीं है? देखिए मसला ये कि मैं तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो कभी भी ठीक नहीं हुआ, तो अगर सिलेक्टेड हुकूमत है तो माजी की सारी हुकूमतें सिलेक्टेड हुकूमतें आई हैं क्या? 2008 में बेनेडिक्ट भुट्टो साहिबा ने कॉन्डोलीज़ा राइस से किताब पढ़ ले उनकी, सबको पता है कि क्या अरेंजमेंट्स करके कौन कौन कब कब पाकिस्तान आया, मैंने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया क्योंकि वो एक अब वो तो एक अमेरिकन इस लेवल की पॉलिटिशियन लिख भी दिया अपनी किताब में कि डील्स क्या हुई किससे बात हुई क्या हुई, सो पाकिस्तान में कब, सो अगर तो कहेंगे सारी हुकूमतें पाकिस्तान में सिलेक्टेड रही हैं
तो शायद गलत नहीं होगा, शायद ये तो अपोजिशन खुद मानती है, किसी से पूछे आप वो कहेंगे हाँ जी इस मुल्क में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। सो अगर आप, मेरा ये मानना है जाती तौर पर कि ये सारे इलेक्शन मांग रहे थे, फ्री फेयर इलेक्शन मांग रहे थे, बेहतर है गंद पड़ने से बेहतर है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए इस मुल्क में, क्योंकि आप गंद की तरफ जा रहे हैं, उधर से कोई कुछ करेगा, इधर से आप कुछ करेंगे, ब्लास्फेमी लगाएंगे, बंदे उठाएंगे, कोई पुराना पाकिस्तान, कोई पुराना पाकिस्तान ही पाकिस्तान ही होता है हमेशा से। सो सिलेक्टेड जहाँ तक आपने बात की है वो तो जाहिर है, जब असेंबली अगर आप कहते हैं कि आई धांधली के जरिए थी, तो धांधली वाली असेंबली तो साफ तो नहीं हो सकती, वो तो फिर अभी भी धांधली ज्यादा असेंबली है ना, तो सिलेक्टेड असेंबली के अंदर जो भी आएगा वो सिलेक्टेड ही होगा टेक्निकली स्पीकिंग। बट मैं सॉरी काशी भाई, मैं टाइम पूरा करना चाहिए वज़ीरे आज़मों को, असेंबलियों को, और वजह यह है कि ये जो तरीके हैं ना पुराने, ये जरा हमें थोड़े से ये अगेन जैसे पहले कहा, अगर धांधली हर इलेक्शन में हुई है तो इस इलेक्शन में क्या खास हुआ? इस इलेक्शन में ये हुआ कि जो पुराने प्लेयर्स थे उनको बाहर रख के एक नया प्लेयर अंदर लाया गया, वो पुराने प्लेयर इकट्ठे हुए, वरना ये जरदारी साहब इनको आरओ इलेक्शन कहते थे, ये इमरान खान साहब थे 13 में साथ, सबको पता है कि क्या कहते थे इसको। सो रियलिटी अगेन हमारी पॉलिटिक्स ऐसी। काशी भाई सॉरी, अब एक सवाल मेरा रह गया था, जस्ट पॉप्ड अप इन माय माइंड, अ लास्ट क्वेश्चन, आपने एआरवाई आज तक कभी क्यों नहीं छोड़ा ये बताइए। यार बड़ा बड़ा आसान भी सवाल है, मुश्किल भी सवाल है। जो शुरू में तो जाहिर है दो तीन चैनल्स थे तो मुझे लगा कि मुझे मैंने बहुत स्पेस थी, बहुत काम कराया मैंने, ये जो सीखा हमने पॉलिश किया कहीं ना कहीं, यू नो फोरम बहुत अच्छा दिया। फिर एक रिलेशनशिप आपकी बन जाती है, और ये आपने देखा होगा कि जब कई दफा ऐसा होता है कि आपकी फैमिली वाली रिलेशनशिप, मेरी तो फैमिली वाली रिलेशनशिप है सलमान साहब के साथ, सलमान इकबाल हाजी साहब है, इनिशियली मेरा ख्याल था यार यही काम करना, मालिक चेंज करके अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं, वहां ये प्रॉब्लम्स होंगे, तो अगर एक चीज चल रही है और वो मुझे समझते हैं, मैं उनको समझता हूँ, तो इससे चला दें। तो उसके बाद फिर जब रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डीपन हो जाते हैं, तो उसके बाद तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है किसी को छोड़ना विदाउट रीजन, पैसे के लिए छोड़ दें या व्यूअरशिप के लिए छोड़ दें, मुझे बड़ा मुश्किल काम। सो मैं जहाँ सुकून से बैठा हूँ, मेरी मेरी तबीयत उनको पता है, उनकी तबीयत मुझे पता है, हम एक फैमिली की तरह काम भी करते हैं सारे, तो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इस दौरान ये हकीकत है कि आपको जियो से भी ऑफर आई थी। देखिए जब आप फील्ड में काम करते हैं तो आपको हर जगह से ऑफर आती है। यस आई स्पोकन टू ऑल ऑफ देम। मैं क्योंकि मेरी यार 20 साल 22 साल तो प्रोफेशन में हो गए, लेकिन 15-16 साल टीवी करते हो गए, सो इसमें होता है कि ऑन एंड ऑफ आपको सारों की तरफ से ऑफर आती है लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए वक्त निकाला। आई एम ऑलवेज ऑलवेज ऑनर्ड टू टॉक टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बहुत शुक्रिया ब्रदर, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर, टेक केयर, टेक केयर।